सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं अलवर जिले में बना एक रावण, जिसको आज शाम को 7 बजे इसको जलाया जाएगा। और इसको जो इसके बगल में है, 2 रावण पड़े हुए हैं, इनको भी खड़ा किया जा रहा है क्रेन के द्वारा। और यहाँ भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि लोगों की ज़्यादा लग चुकी है। और सामने जो हमारे अतिथिगण होंगे, जैसे कि जो हमारे जो प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर होंगे, चीफ गेस्ट होंगे जो भी। और ये दशहरा मैदान है जहाँ पर 3 रावणों को खड़ा किया गया है। और इस बार इसमें ये स्पेशल है कि यहाँ इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आइटम्स लगाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि लोकल लोगों के लिए यहाँ पर कुछ सीट वगैरह मतलब रिजर्व की गई हैं, जो कि लोग आते हैं देखने के लिए। और इस जगह को जाना जाता है दशहरा मैदान की के नाम से। यहाँ जो क्रेन है वो दूसरे रावण को, मेघनाथ है अब पता नहीं भाई, हाँ बीच में रावण है, इधर मेघनाथ है, इधर कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण जड़ता थोड़ी है, सौराज को खड़ा कर रहे हैं, अब उठा रहे हैं उसको। और जैसे उठाएंगे उसको, फिर उसके बाद जलाएंगे इसके साथ साथ। और ये है रावण, ऊपर बादल छाए हुए हैं इसके ऊपर, नीचे कुछ पंडित जी बैठे हुए हैं जो कि इसका पाठ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि शाम को इसका संस्कार किया जाएगा या फिर इसको आग लगाई जाएगी। और आप जैसे देख रहे हैं ये क्रेन है जो कि जो ये मेघनाथ है उसको खड़ा करेंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ कुछ प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं जो थोड़ी देर में व्यवस्था को देख रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा बनाया गया है, पीछे की तरफ इसमें लोगों के लिए देखने के लिए जगह छोड़ी गई है, ताकि खड़े होकर लोग बाग देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये मेघनाथ है जिसको भी इसके साथ जलाएंगे। दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और ये अलवर शहर में इसकी जो लंबाई या फिर ऊंचाई है वो है लगभग 70 फीट ऊंचा बनाया गया है। और पहली बार इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ लगाए गए हैं, और जो कि इस बार काफ़ी अच्छा लोगों को मनोरंजन करेगा। और यहाँ लोग काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग आ चुके हैं, और इतनी धूप में भी लोग आए हैं तो कुछ स्पेशल ही है। और अभी शाम को 7 बजे या फिर मैं कहूँ कि 6 बजे से लोग बाग आ जाएंगे और 7 बजे इसको जलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्रेन से किस तरह से इसको मेघनाथ को या फिर कुंभकर्ण को उठाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ इस रावण को रस्सियों के माध्यम से बांधा गया है, जो कि इस तरह से है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये जगह है पीछे, ये लोगों के लिए छोड़ी गई है जगह, और बांस वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पर, जिससे लोग काफ़ी इसके पास आना पाएँ या फिर उनको खतरा ना हो पाए। अभी देख रहे हैं आप, लोग इसको खींच रहे हैं और इसको थोड़ी बहुत देर में खड़ा करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक जो इस बार आइटम लगाए गए हैं ना, वो इसमें ये है कि जो देखिए चक्री सी है। अब रावण जब जलेगा या फिर मैं कहूँगी 3 जब जलेंगे, तो इसमें ये मोटर के माध्यम से ये जलेगा और ये घूमेगी मोटर से, है ना। तो और आप देख रहे हैं किस तरह से इसको सेट किया गया है अंदर, इसमें पटाखे वगैरह लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, इस बार जो पटाखे लगाए गए हैं वो कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक पटाखे होते हैं, जिनसे कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है, या फिर मैं कहूँ कि किसी को नुकसान नहीं होता है, कोई डेंजरस एरिया मतलब ख़तरा नहीं होता है इसमें कुछ भी, तो इस तरह के पटाखे इसमें इंस्टॉल किए गए हैं इस बार। और एक क्रेन है, क्रेन के माध्यम से इसको उठाएंगे। हमारे जो ये व्यवस्थापक हैं वो लगे हुए हैं इसमें, और अभी देख रहे हैं आप इसको उठा रहे हैं। और ये उठा मेघदूत है, कौन है? मेघनाथ, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। जाग जा भाई, कानों के कुंडल देखो, इसके कानों कुंडल अच्छा है। ओ, चक्री गिर गई, पंखा की मोटर है ऊपर, अब इसको नीचे करो वापस, चक्री गिर चुकी है, चक्री को फिर से लगाएंगे अभी। सो फ्रेंड्स, फिर से इस चक्री को लगा दिया गया है और अब इसको खड़ा करेंगे फिर से। क्रेन उठा रही है, देखिए आप, लाला
और फ्रेंड्स अब कर रहे हैं इनको खड़ा, क्योंकि जो फटा हुआ था ना उसको सही कर दिया गया है। हो गया क्या सही? करो भाई करो। ओहो जय हो। सारा सामान तो इसका गिर गया यार। यमराज कौन है? यमराज ना है। कौन है ये बता? सिंह जी मेघनाथ है। तो यार मुझे लिख के दे इसको, मैं नाम भूल जाता हूँ। मेघनाथ देखो आप, मेघनाथ का सारा सामान गिर गया। जेब में से देखो क्या क्या निकल रहा है मेघनाथ को। जेब में क्या क्या भर रखा है सब खा। इन्होंने हल्का काम किया है, सही बात तो ये है। प्रशासन का काम बेकार हुआ, पर फिर भी कोई नहीं, सही खड़ा हो गया है। और यहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी आ चुके हैं जो कि यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। और पुलिस ऑफिसर जैसे आप देख रहे हैं हाथों में डंडा लिए हुए आ चुके हैं। और यहाँ भी आसपास काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स आ चुकी है ताकि कोई व्यवस्था ख़राब ना हो। और अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम कुछ यहाँ पे दुकान वगैरह लगी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, और वहीं पर हम कुछ बताएंगे आपको। चलते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सामने रावण और मेघदूत खड़े हो चुके हैं, और जो कुंभकर्ण है उसको खड़ा किया जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ शॉप वगैरह लगी हुई हैं, आइसक्रीम वगैरह की शॉप है, और कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी हैं यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पुलिस फोर्स जो कि हमारा प्रशासन है वो भी यहाँ पर आ चुका है। और ये इसका पीछे का एरिया है जहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो यहीं से इसी रास्ते से जाकर और वहाँ पर एंटर करेंगे, वहीं पर बैठेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की शॉप हैं जो दूर दूर लगी हुई हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, और अभी कुछ टाइम बाद इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और शाम को हम दिखाएंगे जब इसका रावण दहन किया जाएगा, तो उसका ब्लॉग आपको पर्सनल हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।